संजय जी आपके पास ही आएंगे, और चरण जी ने कई बातें उठाई और निशान साहब ने भी कई बातें उठाई थी। एक तो ये कि भाई बड़ी जल्दबाजी कर दी आप लोगों ने लोकसभा चुनाव के लिए, और जल्दबाजी का ही नतीजा रहा कि अब चाहे आप ये कह लीजिए कि भगवान राम आपसे रूठ गए क्योंकि आपने उनको जल्दबाजी करके जहां पर उनको मंदिर में विराजमान करना था आपने रामलला को विराजमान कर दिया, थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी। और जैसे देखिए, जी ने भी बोला, मेरा सवाल सुन लीजिए, पंडित जी ने भी बोला वहां के कि भाई अभी निर्माण कार्य चल रहा है और वहां की छत में थोड़ा सा स्पेस था, इस वजह से पानी टपक गया। तो उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य चल रहा है इस वजह से वहां पर पानी टपका। दूसरी चीज ये कि एक तो जल्दबाजी वाला मामला हो गया, और एक बात ये है कि अगर हो गया, चलिए ठीक ले, मान लिया जाए कि आपने जो निर्माण कार्य किया आपने कहा टेक्निकल इश्यूज हो सकते, हो गया, अब भारतीय जनता पार्टी उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही है, सवाल ये है। और अगर जिम्मेदारी नहीं ले रही है तो अब भाजपा अयोध्या में किस तरह से डैमेज कंट्रोल करेगी, क्या करिए। समाजवादी पार्टी भगवान श्री राम को कार सेवकों को के ऊपर गोली चलाने की जिम्मेदारी ले रही है? ये तो बहुत छोटी सी बात है। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग करके, हिंदुओं का उत्पीड़न करके, मुसलमानों को अपने साथ जोड़ करके एक पार्टी का काम करके कि भाई हम मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और जी सीटें जीतने का काम करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती। पिछले 30-35 वर्षों से संबल में डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क यहाँ के एमपी रहे, एमएलए भी रहे, नवाब इकबाल यहाँ पर एमपी एमएलए रहे, एमएलए हैं लगातार। उन्होंने क्या जी काम प्रोग्रेस का किया, संभल के लिए उन्नति किया? कोई काम नहीं करते, सिर्फ जी ढोल बजाते हैं। हम जो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं और कर रहे हैं। भगवान श्री राम का जो मंदिर है हमारी और आपकी आयु में के जी जीवन काल में उसका जी निर्माण कार्य चलता रहेगा। वो निर्माण कभी पूरा नहीं होगा, वो तो चलता ही रहेगा, अविरल चलता रहेगा। भगवान श्री राम का मंदिर है, इतना विराट और इतना भव्य बनना है, वो बनता ही रहेगा, उसमें कार्य कभी पूरा नहीं होगा। और जब वो जब कार्य चल रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि आती रहती है, उसको दूर किया जाता है। जी और जो जो हमारे सरकार में नितिन गडकरी ने जितनी भी सड़कें बनाई हैं, जितनी तेजी से विकास किया है, किसी भी सरकार में इतना विकास नहीं। और महामहोदय अभी कह रहे थे किसका फीता काटे, हम फीता नहीं काटते। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ फीता काटने का काम नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल गया है, इनकी जी जारी कार्य के लिए उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की जो भूमिका थी वो चालू हो गया, संबल में चालू हो गया। संबल जी जैसे सिटी में, जो इतना छोटा सा सिटी है जिसमें आज तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ, वहां पर मेडिकल कॉलेज चल रहा है। और में मैं सुनो, इनको बता दूं, विकास कार्य क्या होते हैं? विकास कार्य आप देख रहे हैं और आपके समय में कहीं पर भी कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं किया। जी संजय जी आपने बोला कि भगवान राम का मंदिर अभी बड़ा भव्य बनने वाला है हमारी और आपकी आयु में, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी जो लोग हैं सौभाग्यशाली हैं कि भगवान राम का मंदिर बना। आपने कहा कि नितिन गडकरी ने इतनी तेजी से काम करवाया कि कोई नहीं करवा पाया, सवाल तो साहब यही है ना कि तेजी के साथ साथ इतना जल्दबाजी में काम करवा दिया कि जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है। हम लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि अयोध्या जैसी जगह पर जहां पर भगवान राम का मंदिर बना है, जहां पर देश विदेश से लोग आएंगे, वहां पर पहली बरसात होगी और सड़क धस जाएगी, 5-5 फीट तक सड़क धस जाएगी, दीवारें गिर जाएंगी, आपको तस्वीर में दिखाई पड़ रहा होगा, आरोप लगेंगे कि राम मंदिर के, भगवान राम मंदिर के जो उसके छत से पानी टपक रहा है, ये आरोप लगेंगे, ये किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये इस चीज की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी लेगी या नहीं लेगी? आपने कहा कि कार सेवकों पर समाजवादी पार्टी के नेता ने गोली चलवाई थी, हम उनसे सवाल ले लेंगे, इस सवाल से वो बच नहीं सकते, मगर आप भी इस सवाल से बच नहीं सकते कि इसकी जिम्मेदारी भाजपा लेगी या नहीं लेगी। आपसे सीधा सा सवाल है संजय साहब। जहां पर भी गलती हुई है, उस जिसने भी गलती की है, अगर कहीं पर भी त्रुटि है, इसकी जांच होगी और उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है और कर रहे हैं। मैं आपकी कार्रवाई की बात बता दूं कि जब से नतीजे आए हैं
अब आप सोच लीजिए कि नतीजों से पहले भारतीय जनता पार्टी का शायद ही कोई बड़ा नेता बचा होगा जो अयोध्या में तमाम चक्कर ना लगाए हों, मगर नतीजे आने के बाद कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता नहीं है जो अयोध्या गया हो, जो श्री राम के दर्शन करने गए हो। मुझे समझ एक बात ये नहीं आती कि राजनीतिक दलों को ये बात क्यों चुभ जाती है, अरे भगवान राम पहले भी वैसे ही थे, अभी भी वैसे ही, पहले भी आप लोग उनके लिए उसी तरह थे, अभी भी आप लोग उनके लिए उसी तरह हैं, आप लोग नहीं बदलेंगे, भगवान राम नहीं बदलेंगे, वो सबके उनके लिए सब बराबर हैं, मगर चुनाव से पहले चुनाव के बाद हम लोगों के लिए क्यों बदल जाते हैं? वो हमारा आस्था का विषय है, हम जाते रहेंगे, ये ऐसा नहीं है अभी अभी गए और फिर जाएं इसलिए जाएं कि हमें दिखाना है, दिखाना नहीं है, वो तो हमारा आस्था का विषय है, हम तो वहां जाते ही रहेंगे, जीवन भर जाएंगे, जीवन काल में अपने जितना अवसर मिलेगा हर तीर्थ मंदिर पर जाते हैं, भगवान श्री राम जी के दर्शन करने तो अवश्य जाएंगे और जा रहे हैं, जाएंगे, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अभी 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 सब लगे हुए हैं, अभी तो संसद की कार्यवाही शुरू हुई है, तो अभी सब लोग विधानसभा की भी कार्यवाही चल रही है, तो उसमें सब लगे हुए, निश्चित रूप से जाएंगे, आप चिंता ना करें, और बहुत जल्दी जाएंगे। जी संजय जी, दिशांत साहब आपके पास आएंगे और आपसे भी सवाल कि आपका आपका पीछा, आपकी पार्टी का पीछा ये सवाल नहीं छोड़ता कार सेवकों पर गोली चलवाने का। एक तो सवाल ये है कि जब आपसे, जब आप अयोध्या के ऊपर कोई सवाल खड़ा करते हैं तो आपके सामने ये एकदम बड़े तरीके से सवाल खड़ा हो जाता है कि आपकी सरकार में जब मुलायम सिंह थे तब कार सेवकों पर गोली चलवाई गई, एक तो ये, और दूसरी चीज ये कि जिस तरह से आप लोग सवाल खड़े करते हैं कि वहां पर गड्ढे हो गए अयोध्या में और तमाम चीजें दिखाई पड़ रही हैं, हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि अब तो जीत गए आप लोग, अखिलेश यादव कब जाएंगे अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने, राजनीति करनी थी कर ली, कब जाएंगे वहां के गड्ढों को खुद देखने, या दूर से ही बोलते रहेंगे कि गड्ढे हो गए साहब, गड्ढे हो गए साहब, भाजपा ने बनवाया था साहब, कब खुद स्टैंड लेंगे? निशान साहब, जाएंगे, जल्दी ही जाएंगे, और जिस दिन जाएंगे तो ये गड्ढे जो हो रहे हैं, ये गड्ढे जब एक बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां पे विराज पधारेंगे तो आपको ये गड्ढे गड्ढे गड्ढा मुक्त ही दिखेगा अयोध्या। और जैसे मेरे भाई ने कहा, जब तक अखिलेश यादव नहीं जाएंगे तब तक वो गड्ढे नहीं भरेंगे, वो खुद उनको दिखेगा तब भरेंगे, जनता से कोई मतलब नहीं साहब। जी जी नहीं नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं, जैसे हमारे भाई ने भी कहा कि आपने कहा कि इतने बड़े गड्ढे होंगे इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो मेरे भाई ने कहा कि वहां तो निर्माण कार्य चलता ही रहेगा, चाहे भले से हम ऐसे ही निर्माण कार्य करते रहे लेकिन वो निर्माण कार्य चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं, हम मजबूत निर्माण कार्य नहीं करेंगे, हम एक ही बार में पुख्ता काम नहीं करेंगे, उन्होंने साफ कह दिया, आपने शायद समझाओ लेकिन मैं समझ गया, उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य चलता ही रहेगा, चाहे हम भले से मजबूत करें नहीं करें लेकिन चलता ही रहेगा, लेकिन हमारे यहाँ ये काम नहीं होता। अभी इन्होंने, मेरे भाई साहब ने कहा क्या नाम है कि समाजवादी जो है बोलने की राजनीति करती है, तो मैं बता दूं यूपी उत्तर प्रदेश में 900 अखिलेश जी ने दिया, एक्सप्रेस में अखिलेश जी ने दिया, और आपका क्या नाम है कन्या विद्याधन अखिलेश जी ने दिया, मेट्रो अखिलेश जी ने दिया, और हमारे साथ कोई एक समुदाय नहीं है, हमारे साथ दबे कुचले अगड़े पिछले अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, हमारे साथ सभी समुदाय के लोग हैं। आपकी ये गलत फहमी है कि मुस्लिम हिंदू मुस्लिम की तो हम राजनीति करते ही नहीं है, हमारे साथ हमारे हिंदू भाई भी उतने ही मान्य है जितने मुस्लिम भाई हैं, हमारे साथ दबे कुचले अगले पिछले सब हमारे साथ हैंगे, और हम सबका मान सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी सबका मान सम्मान करती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सबका मान सम्मान करते हैं, इसीलिए लोग हमसे जुड़े रहेंगे,